आपको नहीं लगता एक नॉर्मल व्हाइट बोर्ड की तुलना में डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना ज्यादा एंगेजिंग होता है? जहाँ एक व्हाइट बोर्ड पर आप सिर्फ लिखकर पढ़ा सकते हैं और अगर आपको एक डायग्राम बनाना है तो उसमें कितनी मेहनत लगती है, वहीं डिजिटल बोर्ड में आपको रेडी टू यूज इमेजेस मिल जाती हैं, कलरफुल डायग्राम्स, 3D शेप्स मिल जाते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं और सीधा आप उनके ऊपर लिखकर बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एक अच्छा विजुअल इफेक्ट तो क्रिएट होता ही है, स्टूडेंट्स को भी इस तरीके से समझना आसान हो जाता है, जिससे कि जो आपका लेक्चर है वो ज्यादा एंगेजिंग हो जाता है। इसके अलावा जो आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं या फिर जो आपके नोट्स हैं, आप उन्हें यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर आप चीज़ों को लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनोटेट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से की जा सकती हैं, जिससे कि जो एक बोरिंग सा लेक्चर है ना उसको भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो ये जो 65 इंचेस का डिजिटल पैनल मैं यूज कर रही हूँ, मैं इस पर आपको लेकर चलती हूँ और बताती हूँ कि किस तरह से आप इसके जो अलग अलग फीचर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं अपनी क्लासेस के लिए। अब इस बोर्ड के ऊपर आपको लिखना है तो उसके लिए ये जो सॉफ्टवेयर है ईनोट, ये आपको यहीं पर मिल रहा है, ये होम स्क्रीन पर ही विजिबल है। अब क्योंकि अभी लाइट प्रॉपरली सेट नहीं हुई है मेरे सेटअप में, इस कारण से आपको ये सारी चीज़ें अभी क्लियरली नहीं दिखेंगी, तो अभी उस पर काम चल रहा है। जैसे जैसे ये सारी चीज़ें होती जाएंगी मैं और डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन एक जनरल आइडिया मैं आपको पहले देना चाहती हूं कि अगर आप इस पर लिख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ हम क्या चेक करेंगे कि क्या इसमें आपको लैग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी लैग नहीं है, और ये जो स्टाइलस है इससे आप ईजीली इसके ऊपर लिख पा रहे हैं, दोनों तरफ से आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका फ्रंट पार्ट और ये आप जो इसके पीछे वाला पार्ट है उससे लिख सकते हैं, तो बहुत ईजीली और स्मूथली आप इस स्टाइलस की हेल्प से स्क्रीन के ऊपर लिख पा रहे हैं। आप हाथों को भी यूज़ कर सकते हैं कुछ पिन पॉइंट करने, लिखने के लिए, थोड़ा बहुत मार्किंग्स वगैरह के लिए, तो मल्टी फिंगर टच इसमें इनेबल्ड है जिसकी हेल्प से आप स्टाइलस और हाथ दोनों से इस पर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें लैग का प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको रब करना है तो इरेज करना है, नीचे इरेज वाले ऑप्शन है, आप हाथ से भी इस तरह से इसको इरेज कर सकते हैं, तो ये फंक्शनैलिटी भी है। पेन टूल में आप पेन के कलर्स हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रूलर वाला ऑप्शन है, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट जो ज्योमेट्रिक टूल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, तो ये कुछ एक ऑप्शंस हैं। देन टेबल बना सकते हैं आप। अब यहाँ पर आ जाता है एक और ऑप्शन है पार्टीशन का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 2, 3, 4 इतने अलग अलग पार्टीशंस हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर दोनों साइड भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई नहीं करता है कि दोनों साइड हम लिखें यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बस ये बताने के लिए कि ये दो तरह के पार्टीशन को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कुछ कंपैरिजन बता रहे हैं, कुछ रेफ़र कर रहे हैं मटेरियल के लिए, तो उसके लिए ये वाला जो फीचर है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे, लेफ़्ट साइड में सपोज आप कुछ लिख रहे हैं और उसके लिए आपको कुछ रेफरेंस मटेरियल यूज़ करना है, जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पर PDF यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके कोई नोट्स हैं, कोई इमेज है आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई वेब पेज है उसको आप यहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पर खोल के यूज़ कर सकते हैं और एक साइड में आप अपने चीज़ों को लिखकर बताएंगे, तो इस तरह से आप इस वाले फीचर को यूज़ कर सकते हैं। या फिर सिंपल अगर आप पढ़ा रहे हैं तो एक साइड आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, फिर आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं दूसरी साइड में, तो ये भी एक तरीका है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक और ऑप्शंस हैं, जैसे कि माइंड मैप है, स्टिकी नोट्स, प्रीव्यू ग्रिड, तो कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बट मेनली हमें क्या देखना होता है कि जब भी हम डिजिटल पैनल के ऊपर लिख रहे हैं कितना स्मूथली हम उसके ऊपर लिख पा रहे हैं और लैग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो हमें जनरली कंसिडर करनी होती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप पेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो जनरली जब हम पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उस समय हम इन पेजेस को यूज़ करेंगे, तो मल्टीपल पेजेस आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस डिजिटल बोर्ड को एक ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज़ कर सकते हैं अपनी टीचिंग को इन्हांस करने के लिए। तो मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।